अंदर कितने लुटेरे हैं? बस एक ही है सर। एक नहीं, 100 के बराबर हो। एक नहीं है वो। उसके पास क्या क्या हथियार है? उसके पास हथियार है साहब, गन है, रिवॉल्वर है, आरडीएक्स से चाकू है, आरडीएक्स से इसे किलर सर साहब, और भी लोग तकलीफ में, उन्हें बचा लीजिए सर। साहब ये बहुत घबराया हुआ है साहब। ठीक है, तुम लोग अपना नाम पता लिखा कर जा सकते हो। जी इंस्पेक्टर सिंह सर, चलो। और सुनो जी, इसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। जी साहब जी, जी थैंक यू सर। अरे भाई शेखर, मेरी जान, मेरा भाई, मेरा दोस्त, कितने दिनों बाद हमने बड़ा हाथ मारा यार। अब तो जिंदगी के गम हमसे इस तरह भागेंगे जिस तरह हम पुलिस से भागते आए हैं। यार माल कितने मिला यार? अरे बहुत है यार, गिनते गिनते रात हो जाएगी, कल सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे। महीनों हो गए यार बाबू को इंतजार किए। एक थैला तो दिखा मेरे भाई। देख ले तेरे पास ये थैला। मेरे पास कहाँ है थैला? मैंने तुझे दिया था। मेरे पास थैला नहीं है यार। अरे यार मेकअप निकालते निकालते मैंने तुझे दिया था। थैला मेरे पास कहाँ है? तुझे दिया था थैला। हाँ थैला 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 मेरे पास नहीं है। हाँ तेरे पास है। कहाँ है मेरे पास? नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है यार। तू थैला बात करते है, तू जादू में तू कहाँ बर्बाद किया इतनी मेहनत की। अरे गाड़ी 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 देख तू बर्बाद कर दिया तूने, बर्बाद कर दिया। काले पकड़ के ले गया मेरे को उठा के। अरे मैं काले के क्या तेरा किया था? अरे बर्बाद किया तेरे हाथ करके पूरी मेहनत का। ये मैंने छोड़ दिया है तू। कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने। क्या बॉडी है, नजर पिसली जा रही है। जब ये चलती होगी तो क्या मंजर होता होगा यार। लोग अपने दिल थाम लेते होंगे। काश कि ये मुझे मिल जाए। क्या मुस्कुराहट है। गाड़ी मुस्कुराती है क्या? अबे मैं गाड़ी वाली की बात कर रहा हूँ। ओह ये तो शान का सीन हो गया यार। लेकिन फिर भी ये गाड़ी हमें मिल जाए तो 6 महीने की कड़की दूर हो जाए गुरु। मैं सोच रहा हूँ अगर ये गाड़ी वाली मिल जाए तो सारी जिंदगी की कड़की दूर हो जाए। मैं कोयले की बात करता रहा तो कोयले की खान में घुसने लगता है। देसी दुकान लूटने की बात थी, दाढ़ी मूछ लगा के मेरे को बैंक में ले गया और माल भी भूल के आ गए। चद्दर में रहना अपने। एक्सक्यूज मी मैडम, लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता कल सुबह तक खुलेगा। ओए बहन जी क्यों नाराज हो रहे हो? रास्ता बंद हुआ थे क्या हुआ? और दिल का रास्ता तो खुला है साथियों। और प्यार है, अरमान है, दिल जवान है, नाल मेरी जान है, होर की चाहता है। होए होए वैलेंटाइन डे मलाली में नहीं थे, इतने ही मला लेंगे। होए होए ओ बहन जी भी नाल आ जाओ। तुझी की कर रहे हो, ले आप बाजा शाजा। जादू अब देख मेरा जादू। रेडी इन 15 मिनट्स फॉर स्कूल। 15 इज रेडी फॉर स्कूल। या ओके बाय गाइस, यू बेटर बिहेव। तुम फिर आ गए संजू। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यूं ही माफी मांगने आता रहूंगा। अब तो जिंदगी का यही मकसद रह गया है क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा ना मैं संजना नहीं हूँ, मैं आना हूँ। तुम्हारी संजना तो ना, 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 ना। नाम बदल दिया माना, मुझे भुला दिया माना, लेकिन तुम अपने प्यार को कैसे भुला सकती हो? कैसे भुला सकती हो वो खूबसूरत दिन जब हम मिले थे? याद है आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं बस पकड़ने के लिए भाग रहा था कि मेरा पैर फिसला और मैं कीचड़ में जा गिरा। मैं अपना पैर पकड़ के दर्द से करार रहा था कि एक खनकती हुई हंसी की आवाज सुनाई थी। हवा ने जैसे गिटार के तारों को छू लिया। मैं पलटा, वहां तुम खड़ी थी, आंखों में मुस्कुराहट, बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं अपना दर्द भूलकर तुम्हारे पास आया और मैंने कहा अगर तुम यूं ही हंसती रही तो मैं बार बार गिरने को तैयार हूं। तुम फिर हंसी और तुमने मेरे घुटने पर अपना स्कार्फ बांध दिया। याद है संजू क्या दिन थे? याद है ये अंगूठी तुमने अपनी उंगली से निकाल के पहनाई थी? इस प्यार की निशानी को भी भूल गई तुम? सारे रिश्ते तोड़ दिए
अरे सोनी ने तो तुम्हें जलाने के लिए मेरे गले में हाथ डाला था। इतना भड़क गई तुम, इतना भड़क गई कि मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं चिल्लाता रहा, संजू संजू, लेकिन तुम इतने गुस्से में थी कि तुमने मुझे देखा भी नहीं, और ना ही उस गाड़ी को देखा जो सामने से आ रही थी। और तुम उस गाड़ी के साथ संजू, तुम ठीक हो? संजू, ये क्या हो गया? संजू, घबराओ मत संजू, सब ठीक हो जाएगा संजू। हे भगवान, संजू, अरे सुनिए, गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए मेरी। अरे कोई तो मदद करो मेरी संजू भाई साहब। ए पागल है क्या? भगवान, अरे कोई तो मदद कीजिए, मेरी संजू जख्मी है, अरे अस्पताल लेके जाना है। प्लीज कॉल दी एम्बुलेंस, प्लीज भाई साहब, कोई तो मेरे साथ आओ, मेरी संजू, प्लीज भाई साहब, संजू, ये सब क्या हो गया संजू? लेकिन मैं रो क्यों रहा हूं? मेरी संजू तो मेरे सामने, ऊपर वाला कितना मेहरबान है। संजू, उसने मेरी सुन ली और तुम बच गई, लेकिन इतनी छोटी सी बात पे इतनी नाराजगी, पहचानती तक नहीं, ये ठीक नहीं है संजू। हाँ हाँ, ये सचमुच गलत बात है। हाँ ये गलत है। Shut up. चलो तुम लोग क्लास में जाओ, चलो। I said go to class. मैं फिर आऊंगा संजू, संजू मैं फिर। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, पूरे 2 लाख हैं। होना ही चाहिए, लाशें भी तो 2 हैं। प्रिंस की तरफ शक नहीं जाना चाहिए। किसी की तरफ शक नहीं जाएगा सर। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके अच्छा, मैं भी चलता हूँ। बाय वकील। बाय। हाय डार्लिंग। हाय स्वीटहार्ट। प्रिंस कम, आइंदा गाड़ी संभाल कर चलाया करो, 2 लोगों को उड़ा दिया, हर बार इतने रुपयों का नुकसान। मैंने क्या नुकसान कर दिया? 2 लाख रुपए का, और आपने 29 करोड़ का नुकसान कर दिया। सिद्धार्थ राय की बात। रिलैक्स प्रिंस, अकल से काम लिया करो। मैंने सिद्धांत राय की बात इसलिए मानी क्योंकि डैम में क्रैक्स हमारी वजह से पड़े थे। अगर इंक्वायरी हुई तो हम सबके अंदर जाने की नौबत आ सकती है। और हम अंदर नहीं जाना चाहते। मगर हम क्यों अंदर जाएंगे? प्रिंस, अभी तो हम सिर्फ 30% के पार्टनर हैं। अगर हम उसकी एम्पायर के 100% मालिक बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि सिद्धांत राय जी को कुछ दिन और नाराज ना किया जाए। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। मैं समझाऊंगा भी नहीं। मैडम आपको टेलीग्राम। बस बहुत हो गया तेरे पागलपन, अब इसे दूर करना बहुत जरूरी है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं, तेरा खराब हो गया है। तुझे पूरा हक है अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का, मुझे तंग करने का, लेकिन एक मासूम लड़की को परेशान करने का तुझे कोई हक नहीं है। परेशान? मैं अपनी संजना को कैसे पर... बहुत हो गया है, अब वक्त आ गया है हकीकत से मुखातिब हो जाओ। मुखातिब? सच्चाई, सच्चाई को जान ले मेरे भाई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही की तेरी संजना। नहीं बहन, ये मरता है तो मरने दो। आखिर कब तक ये परेशान करता रहेगा आपको? लेकिन नहीं, इसका हकीकत से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। ये तेरी संजना नहीं है, ये ऐना है, ऐना। तेरी संजना का इंतकाल हो गया यार, वो मर चुकी है वो। क्या तू? नहीं। अरे वो गाड़ी के नीचे आके मर गई है मेरे भाई। नहीं। अरे अरे उसका अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया यार। ये झूठ है। सच है। शेखर, माफ करना मेरे भाई, हकीकत बयान करना बहुत जरूरी था, मुझे माफ करना। सुनिए, क्या मैं कोई इश्क की आग में आशिक जलता रहा है, जलता रहेगा,
ये तो बेचारा कब का मर चुका है, बस जी रहा है, जीता रहेगा। लेकिन क्या मैं कोई? आप जाइए, मैं से संभाल लूंगा, आप जाइए। चलो। Are you sure? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। शेखर जाइए जाइए, आप जाइए। उल्लू के पट्टे इतनी जोर से थप्पड़ मारा। तुम तो जानते हो मैं कितना मेथड एक्टर हूँ, और उस दिन के थप्पड़ का बदला भी तो लेना चाहिए था ना। तेरी बुलाऊं क्या?